हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों, केमिस्ट्री के यूनिट 2 का भी नोट बन गया है। जो नया वाला आपका सिलेबस आया है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस इस बार सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है और बिल्कुल नया सिलेबस आया है पुराने वाले सिलेबस से हटा करके, तो उस बेसिस पर आप देखेंगे आपके सामने बिल्कुल BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का नया सिलेबस जो इस बार के बैच में पढ़ाए जा रहे हैं, ऑफलाइन बैच में जो पढ़ाए जा रहे हैं उनमें से स्टूडेंट से नोट लेकर के ये PDF आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं पेपर फर्स्ट का नाम जो नया वाला है इस बार। पहले वाले का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, लेकिन इस बार आपका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें यूनिट 1 ऑलरेडी बन चुकी है जो कि बहुत लोगों ने ले लिया है यूनिट 1 और लेकर के उसको तैयार कर रहे हैं फटाफट से, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी ही आपका होने वाला है। और यूनिट 2 का नाम है सिंपल बॉन्डिंग थियरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये भी तैयार हो गया है और इसको भी आप लोग अब ले सकते हैं, बिल्कुल अवेलेबल हो गया है। फटाफट से आप लोग पेमेंट करिए और ले करके इसको भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि पेड हैंड रिटन PDF नोट होता है, यानी कि फ्री में नहीं होता है, बिल्कुल पेड होता है। और कितना रुपया लगता है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और एक किस यूनिवर्सिटी के लिए होता है तो मैं आपको बता दूँ कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप लोग मेरा सिलेबस देखे होंगे, सिलेबस वाला वीडियो जो मैंने सिलेबस पर बनाया था केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस, अभी ये सेमेस्टर 1 है ना, मैं सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6, यानी कि पूरा तीनों साल का जो 6 सेमेस्टर होने वाला है, हर साल में 2-2 सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर का मैंने वीडियो बना दिया है। सभी सेमेस्टर के सिलेबस का मैंने वीडियो बना दिया है कि किस सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरा का पूरा सिलेबस आ गया। अभी आपको फर्स्ट ईयर का ही मिला होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का ही मिला होगा, लेकिन आप लोग वो वाला वीडियो जाकर के देखिए, मैंने निकाल लिया है पूरा 6 के 6 सेमेस्टर का। उसमें बिल्कुल दिया गया है कि कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, सारा कुछ बहुत ही डिटेल उसमें दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जाइए उसको देख लीजिए, हालांकि वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई बटन में भी रहेगा, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर के डायरेक्ट आप लोग सिलेबस वाली प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं या खोज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो या सिलेबस बाय विपुल सर आप लोग डालेंगे उसमें भी आ जाएगा, तो उसमें आप लोग जाकर के देखिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे पूरे 6 के 6 सेमेस्टर हो गए हैं, उसमें से ये नोट्स बनाए जा रहे हैं। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो सिलेबस है आपका नया वाला जो सिलेबस आया है सेमेस्टर वाइज, ये UP की ऑल यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेज के लिए, यानी कि कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं, पूरी यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जिनमें ये सिलेबस ना लागू हुआ हो। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि ये जो सिलेबस नया वाला बनाया गया है सेमेस्टर वाइज BSc के लिए, ये यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, ठीक है। यूपी से बाहर के जो लोग हैं तो उनका अलग सिलेबस हो सकता है, लेकिन यूपी की सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस लागू होगा ही होगा। तो यूपी में अगर आप हैं तो बिल्कुल खुश रहिए, यूपी में अगर आपका एडमिशन है तो आप किसी भी कॉलेज से हों, किसी भी आप यूनिवर्सिटी से हों, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप लोग एक बार अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा। हालांकि मैं सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें मैं ये देखिए मैंने सिलेबस को अटैच कर दिया कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल नया वाला सिलेबस है जो नया वाला आया है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे साफ साफ लिखा यूनिट 2 का नाम सिंपल बॉन्डिंग थियरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसमें आप देखेंगे पूरा डिटेल लिखा गया क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। आप लोग डिटेल में PDF में पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको ऐसे दिखा दिया हूँ, ठीक है। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये पूरा ही आप देखेंगे अंडरलाइन किया गया है ना, एक एक हेडिंग बिल्कुल इस पूरे PDF नोट में आपको मिलेगी, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं इसको तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ाता हुआ लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं आपको पूरा PDF नोट दिखा नहीं सकता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। तो इसमें सारी चीज़ें हैं जो मैंने सिलेबस में आपको दिखाया, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। हाँ, लास्ट में मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए फिगर वगैरह भी बहुत ही लल्लन टॉप, बिल्कुल एकदम बढ़िया फिगर आपको बनाए हुए मिलेंगे, अच्छे बिल्कुल नोट्स हैं। और एक एक वर्ड की बिल्कुल क्लियरिटी आपको मिलेगी, पूरा पेज भी लिखा हुआ हाथ से लिखा हुआ नोट मिलेगा। ये देखिए फर्स्ट यूनिट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉलिकुलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, ये भी बन गया है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ले लिया है, जो लोग नहीं लिए हैं फटाफट से ले लें जा करके, नहीं तो लेट हो जाएगा, पता चला एग्ज़ाम तब तक आ जाएगा। यूनिट 2 जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये तो बन ही गया है।
इसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है तो बिल्कुल आप लोग जूलॉजी की भी देखिए यूनिट 2 भी बन गई है, यूनिट 1 भी बन गई है। यूनिट 2 का नाम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, ये भी बिल्कुल नया वाला सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो यूनिट 2 हो गई। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए बॉटनी, बॉटनी की भी यूनिट 2 बन गई है, माइक्रोबियल वर्ल्ड, आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। ये भी नए वाले सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, पुराना वाला सिलेबस बिल्कुल छोड़ दीजिए, भूल जाइए, नए वाले मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ। ये देखिए जूलॉजी की यूनिट 1 भी यहाँ पे तैयार हो गई है, जैसा कि मैंने बता ही दिया था, तो ये सब आप लोग ले सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग इनमें से किसी क्लास में हैं 9 to 12 यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में किसी भी सेमेस्टर में हूँ, और ख़ास करके अगर आप पूर्वांचल और अवध से हैं, अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी से या फिर यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप लोग मुझको मैसेज कर सकते हैं, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। एमएससी की एमएससी में अगर आप हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में किसी भी सब्जेक्ट से हों, या और ये खास करके पूर्वांचल और अवध यूनिवर्सिटी के लिए है, बाकी अगर आप यूपी के किसी यूनिवर्सिटी से हों, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल लगभग सेम हो गया है, तो आप लोग इसके भी नोट्स ले सकते हैं। और साथ में जो लोग नोट्स ले रहे हैं उनको लास्ट में फ्री प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, और जो लोग नोट्स नहीं ले रहे हैं उनको इसके लिए लास्ट में चल करके पेड करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तब मिलेगा। और मैं बता दूं कि 80-90% क्वेश्चन की गारंटी रहेगी, यहीं से आएगा जो लास्ट में ये फ्री प्रीवियस ईयर प्रीवियस 5 ईयर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टिक करके दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अब आते हैं कि कितने के ये नोट्स आपके मिलेंगे, तो कोई भी आप यूनिट लेंगे तो एक यूनिट का आपको 10 रुपये सिर्फ देना होगा, मात्र 10 रुपये पर यूनिट इसकी कॉस्ट रखी गई है, जिसमें कितना गरीब से भी गरीब लड़का हो वो भी खरीद ले, उसके पास भी कम से कम 10 रुपये तो ज़रूर होगा, ठीक है। अगर वो बीएससी कर रहा है तो जाहिर सी बात है 10 रुपये तो उसके पास ज़रूर होगा, तो इसलिए बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखी गई है कि 10 रुपये में पूरी की पूरी एक यूनिट। अभी आपने देखा कितने पेज का ये नोट है, मैं आपको पेज अगर दिखा दूं तो ये देखिए 40 पेज का लगभग ये नोट है, 40 पेज बेचारा वो लड़का लिख करके दिया है, तो उसको भी तो कुछ चाहिए, 40 पेज सिर्फ आपको 10 रुपये मिल रहा है, जबकि अगर आप जाकर के कोचिंग में पढ़ेंगे तो पता चला कि 2 महीने में आपको एक यूनिट पढ़ाई जाएगी और आप 1000 रुपये पेड कर देंगे, क्योंकि कम से कम 500 रुपये बीएससी की इस टाइम फीस चल रही है। आप लोग अपने अपने जगह पे देख लीजिएगा कि कितनी कितनी फ़ीस है, बहुत जगह पे तो 550-600 भी ले रहे हैं, तो मतलब बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है। इतने में तो आप 70-80 रुपये में तो 8 यूनिट टोटल है, 8 यूनिट में तो आप पूरा एक पेपर ही खरीद लेंगे, और आप चाहें तो सेल्फ स्टडी भी इससे कर सकते हैं, चाहें तो कोचिंग में भी पढ़ सकते हैं, आपके पास एक प्रॉपर नोट रहेगा तो आपको चिंता नहीं रहेगा एग्ज़ाम में। अगर आपकी कोचिंग में सिलेबस कम्प्लीट नहीं करवाया जाता है, कॉलेज में अगर सिलेबस कम्प्लीट नहीं करवाया जाता है, तब भी आप चाहें तो खुद से मेहनत करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये नोट आप खरीदेंगे कैसे, तो इसके लिए प्रोसीजर एक ही है कि ये नंबर आपको दिया गया, नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 7080884759, इस पर आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप करके मुझको बताइए कि सर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, और प्लीज़ आप लोग अपना नाम भी बताया करिए, और किस ज़िले से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग बिलोंग करते हैं, या किस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, ये भी प्लीज़ बताया करिए। और इसके बाद आप लोग बताया करिए कि आपको कौन सी यूनिट चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, कौन कौन सी यूनिट चाहिए, और जितना चाहिए उसके हिसाब से आप लोग मुझे इसी नंबर पर पेमेंट करने के लिए भी यही नंबर है, इसी नंबर पर आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे, मतलब कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं जो इससे लिंक ना किया गया हो, सभी अकाउंट इस पे अवेलेबल है, आप जो भी यूज करते हैं, या स्कैनर भी आपको मिल जाएगा, आप अगर स्कैन करके पे करना चाहते हैं तो बताइए, मैं स्कैनर भी दे दूँगा। अगर आप लोग UPI लिंक से पेमेंट करना चाहते हैं, मैं UPI लिंक भी सेंड कर दूँगा आपको व्हाट्सएप पर, मतलब आप किसी भी माध्यम से चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट जो ही आप लोग करेंगे, करके मुझको स्क्रीनशॉट उसका भेजेंगे कि मैंने सर पेमेंट कर दिया है, मैं तुरंत ही आपको नोट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है आपका सिंपल सा, कि आप लोग इस पे व्हाट्सएप करेंगे, पेमेंट करेंगे और तुरंत ही आपको नोट मिल जाएगा, इसमें बहुत कुछ तिगड़म करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक आपका नोट है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।